नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जिस वक्त ये कार्यक्रम कर रहा हूं, इसके कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यानी योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती में होंगे। ऐसे में बिहार की जनता आज क्या समझ रही है? क्या योगी के कदम रखते ही बिहार का चुनाव बदलने लगेगा? क्या योगी यहाँ का मूड बदल पाएंगे क्या? और आखिरकार इस वक्त बिहार में जीतेगा कौन? तमाम लोग इधर आप देख सकते हैं, भीड़ लगी हुई है, मंडी है और मंडी में हमने शुरुआत कर दी चर्चा की। क्यों ना हो, हर किसी से बातचीत हो। भैया क्या नाम है? मनोज कुमार सिन्हा। मनोज, इस बार बीजेपी जेडीयू बिहार से जा रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं या फिर कुछ और होगा? तेजस्वी नहीं आएंगे। कौन आएगा? भाजपा आएगा, जेडीयू से बैर नहीं और नीतीश की खैर नहीं। हाँ, खैर नहीं। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, मोदी से बैर नहीं, नीतीश से खैर नहीं। ये बात ठीक है आप। तो यहाँ तो मोदी का ही टिकट है। तो टिकट है तो मोदी के, हम लोग सबके विचार होते मोदी के नाम पर, दे देना किशोर जीत जाएंगे। मोदी सही है क्या? हाँ सही है। राहुल गांधी कह रहे फेकू है, तेजस्वी कह रहे कुछ है नहीं उनके। राहुल गांधी तो खुद फेकू है कि जितना कोरोना के बीमारी लाने वाला राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। हाँ, कोरोना बीमारी लाने वाला राहुल गांधी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे दिल्ली से, दिल्ली कहे कि दिल्ली में इतना बस दे देंगे, उतना बस दे देंगे। एगो जो कौन मंत्री थे उनका बेटा हुआ था पहले कोरोना में। उसके बाद एगो कि मंत्री के बेटा आवेगा, हमारा बिहार नहीं आवेगा। आए सबको तो बुला लिया और कोरोना फैला दिया। अब मोदी भी आएंगे परसों, कल योगी भी आ रहे हैं बिहार में, ये कुछ माहौल बदलेंगे क्या? अरे बदलेंगे तो उनका विचार कहेगा, उनका विचार से जनता अवगत होगा, उनका विचार से जनता अवगत होगा तो बदलेगा। योगी का भी जलवा चलता है क्या? योगी का बहुत चलेगा, योगी का तो पूरा चलेगा। योगी आते हैं, मोदी आएंगे, उनका बात तो हमारा विश्वास है कि 100 में 75% मानेगा सब। 100 में 75% मानेगा सब, जो कहेंगे वही होगा, ये भी मान लीजिए। क्या भैया, मोदी योगी कल से शुरू हैं, क्या होगा? उनके आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, मोदी योगी के आने से बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा। नीतीश से कुछ होना जानी नहीं है। अच्छा। जितने भी वोट पड़ेंगे सब योगी या मोदी के नाम पे पड़ेंगे। योगी का जलवा बिहार में भी चल रहा है? एकदम चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। मुख्यमंत्री है उसका कोई जलवा? उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। कोई वैल्यू नहीं है। ये नीतीश कुमार नहीं है, कुर्सी कुमार है। जिधर कुर्सी मिलेगा उधर जाएंगे। सब चीज के लिए कोरोना है, पर्व के लिए कोरोना है, इनके चुनाव के लिए कोरोना नहीं है। लोग लाइन लगा के नहीं जाएंगे वोट देने के लिए। भैया आप क्या समझ रहे हो? पानी खाओगे बस, बोलोगे नहीं। तुम बोलोगे? हाँ बोलेंगे। बोलिए ना, क्या दिख रहा है यहाँ बिहार में? कल योगी का भी कदम रखा जाएगा बिहार में, रैलियां हैं चार चार तीन तीन, क्या है? बिहार में खाली रोड बना है, गरीबी के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। रोड तो काफी बना है, रोड बना है। हाँ रोड बना है। क्या काम होना था गरीबी? जैसे गरीब के हित में जो रोजी रोजगार होना चाहिए वो नहीं है। रोजगार आप क्या कहेंगे? रोजगार तो कुछ नहीं है, खाली रोड बना है और कुछ तो बनवे नहीं किया है। योगी जी यहाँ थोड़ी काम कर, योगी जी को मोदी के यहाँ का, यहाँ तो नीतीश जी है, तो नीतीश जी का ना बात कीजिए। ऐसे नीतीश जी कैसा काम? नहीं, दम बहुत गलत, सबसे खराब काम की यहाँ नीतीश जी एकदम जो है ना, दारू बंद करा, इन दारू तो घरे घरे बिक रहा है जी, हर ऑल रेट में बिक रहा बंदी करा, इन दारू कोई सक्सेस हमारा नहीं हुआ नीतीश जी का, जो बंदी कर दारू तो आप खुलियाम बिक रहा, उससे ज्यादा दारू बिक रहा नीतीश जी का राज में। कह रहे कि रोजगार नहीं दे पाए, सड़कें बिजली पानी से क्या करना? सरकार के जिम्मे बहुत सारी काम है, बाकी काम तो किए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के तो काम हुआ है ना। वो 15 साल पहले 2005 के पहले का आप याद करिए, क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है। स्थिति देखते हुए नीतीश को ही आना है। जहाँ जहाँ जेडीयू का खड़ा करेगा वहाँ लोजपा खड़ा कर रही है। अच्छा। इसलिए तेजस्वी का चांस है इस बार। तेजस्वी का चांस है बिल्कुल। चिरागी मुख्यमंत्री ना बन गए? नहीं, मुख्यमंत्री तो नहीं बने, यदि वो गठबंधन में यदि हैं वो उनसे फिर मिलेंगे तो हो सकता है कि मोदी योगी आएंगे तो मिजाज बदल जाएगा। इस बार आपको क्या दिख रहा है? क्या तेजस्वी नीतीश पर महंगे पड़ रहे हैं, योगी पर महंगे पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर महंगे पड़ रहे हैं? तब ना मोदी या योगी आ रहे हैं यहाँ, महंगे नहीं पड़ते तो क्यों आते? यही तो लग रहा है इस बार टक्कर
टक्कर जो है वो कड़ी है? टक्कर नहीं है, पूरा तेजस्वी सरकार आ रही है, कहीं कोई टक्कर नहीं है, आ रही है फुल फ्लैश में आ रही है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं, नीतीश तो कह रहे हैं कि 15 साल हमारे और 15 साल उनके, कंपेयर कर लो कौन बढ़िया। तो कंपेयर कर रहे हैं तब ना आ रहे हैं। तो कह रहे हैं गुंडागर्दी थी, नहीं उनके सांसद कह रहे हैं नित्यानंद राय की, आखिरकार वो आतंक फिर लौट आएगा जो हमने खत्म किया। यूपी में गुंडागर्दी नहीं चल रही है, उनकी सरकार है तो यहाँ बता रहे गुंडागर्दी थी, यूपी में नहीं चल रही है। तो वो पहले अपना सुधारे तब ना यहाँ आए, उनके उनसे ज़्यादा गुंडागर्दी कहाँ हो रही है, बस यही है। दम करे कमाल, मोदी आके यहाँ माहौल बदलेंगे, दम बदलेंगे। इसका तो धक धक कर रहा है इस बार दिल्ली, अब कर रहा है तो क्या, बाकी काम अच्छा किए हैं उनको वोट मिलेगा, वोट मिलेगा एकदम 100%। धड़कन थम पाएगी? दम थम गए, धक हो रहा है, धक धक नहीं हो रहा, सही हो, सबको ही हो रहा है क्या? नहीं कोई भी नहीं, भी धक धक हो रही है दम। वो तो अपना जब घर के नहीं संभाल रहे तो दूसरे के मुख्यमंत्री क्या संभाल, नहीं संभाला मुख्यमंत्री क्या बनेंगे? क्या हाल है आपके? ठीक है, इस बार क्या माहौल है, नीतीश या तेजस्वी? नहीं नीतीश कुमार का है चांसेस, नीतीश का। हाँ नीतीश या तेजस्वी? नीतीश। योगी भी आ रहे हैं उनका प्रचार करने, लोग कह रहे हैं योगी की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे, मोदी की क्या जरूरत पड़ गई, विकास कराए तो अपने दम पे चुनाव जीते ना। देखिए अब क्या है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं, अभी मीडिया में हूँ मैं लेकिन जब समय खराब होता है ना तो बुलाना पड़ता है लोगों को। अच्छा बात ऐसी, समय सही नहीं है, धक धक हो रही है क्या नीतीश? धक धक हो रही है, थोड़ा डगमगा रहे हैं, थोड़ा या ज्यादा? ज्यादा ही समझिए। इस बार अगर बीजेपी के नाम पे ही वोट है, तेजस्वी नीतीश के नाम पे नहीं? और बात सही है, बीजेपी के नाम पे वोट है। तेजस्वी कैसा चेहरा दूसरी तरफ? देखिए चेहरे सारे बढ़िया हैं, नया है तो उन पे भी थोड़ा विश्वास नहीं है, पूरी तरह से विश्वास नहीं है। लगेगा ना वैसा, उस तरीके का कोई काम हो तो पब्लिक उन पे फेद करे, सत्ता मिले तो काम करे। देखिए ऐसा नहीं है सर, जिसके पास सत्ता नहीं है ऐसा थोड़ा ना कि काम नहीं कर रहा मार्केट में, काम तो इतनी आसानी से मिलेगी सत्ता, इतनी आसानी से नहीं मिलती। आज के लिए बहुत मंथन करना होगा, इतनी आसानी से सत्ता थोड़ी मिलता है, उसके लिए बहुत मंथन करना होता है, उन्हीं के भरोसे पार होंगे। मोदी योगी कोई नैया पार लगानी पड़ेगी। हाँ वही उन्हीं के भरोसे पार ही होंगे, अपने भरोसे पार। 15 साल का विकास काम नहीं आए? नहीं इस बार उन्हीं का, नरेंद्र से ज्यादा बेहतर पता होगा, आप लोग मीडिया में आप लोगों के पास ज्यादा आंकड़ा रहता है, पब्लिक के पास तो आंकड़ा क्या है, कमाने खाने से ही फुर्सत नहीं पब्लिक को, तो है कि नहीं सर? बाकी आंकड़ा आपके पास है, देख लीजिए। चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इधर भी कुछ लोग हैं, आइए चलते चलते ऐसी बातचीत हो जाएगी। भैया क्या हाल है आपके? नई बात करोगे गुस्से में हो, और सर क्या हाल है इस बार, नीतीश या तेजस्वी? नीतीश कुमार। लोग कह रहे हैं कि योगी की और मोदी की जरूरत पड़ रही है नीतीश को इस बार। नीतीश इज द बेस्ट फॉर बिहार। माहौल कुछ बदलेगा क्या जब दो बड़े दिग्गज आएंगे बिहार? नीतीश है, बाकी सब बेकार है, सब बेकार। आपको क्या लगता है भाई साहब? सही बोला है, विकास दिखता है। पटना डूबेगी तो नहीं? अब नहीं डूबेगा नहीं, वो तो हर जगह होता है, बॉम्बे भी डूब रही है, थोड़े ना सरकार बदल रहे हैं। इस बार भी रखेंगे नीतीश? रखेंगे। तेजस्वी की धड़कनें बढ़ जाएंगी आपकी बात? बढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं, समय समय की बात है। कह रहे मैं युवा हूँ, युवा साथ है। अच्छा है। बिहार को चलाने के लिए अभिनव की जरूरत है ना, जो डेडिकेटेड है, जिसको समझ है, नॉलेज है, तो नीतीश इज द बेस्ट। लालू का राज कैसा था 15 साल? बहुत खराब। तो जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझती है, क्या सोचती है, और क्या बड़ा अंतर उन 15 साल में और इन 15 साल में। बेबाकी से जनता बोली, आप भी बोलिए, अपनी राय रखिए बेबाकी से, और साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।